मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट. तो हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा दे विल मीट एट पॉइंट पी. तो पी का डिस्टेंस ए से कितना लेंगे, एक्स. तो बी से कितना बनेगा, 200 माइनस एक्स. तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलेटेड मोशन में मूव होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. तो ये एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टू टी का स्क्वायर. सेकंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलेटेड यूनिफॉर्मली है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा यू टी यानी 40 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर. आगे क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी. तो ये बनेगा 200 माइनस टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस टी स्क्वायर. अब ये प्लस टी स्क्वायर इधर आएगा प्लस 40 इधर आएगा तो ये बनेगा, या फिर उसको इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस ऑफ 200 इक्वल टू 0. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक यू विल गेट टाइम. सपना गावाकडे गेली की तू? कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक देखो, माइनस बी मतलब माइनस फोर प्लस माइनस तो अपन लेते नहीं रूट में, बी का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4ac मतलब 2600. रूट में कितना आएगा 2616 डिवाइडेड बाय 6 यानी बनेगा माइनस 4 प्लस. अभी 2616 का रूट चाहिए, 26.16 लिखेंगे तो रूट आएगा 52 या फिर 51 डिवाइड बाय 6. तो 52 माइनस 4 2416 तो कितना बनेगा ये 48. 48 माइनस 4 44 बाय 6 673 ना का 7.3 हो मने 7.3 सेकंड. क्या ये टाइम मतलब व्हेन दे विल मीट मिल गया, वेयर हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. तो ये कितना था 2 टी का स्क्वायर 7.3 का स्क्वायर 55 अप्रॉक्स 110 मीटर फ्रॉम ए. तो बी से कितना होगा मंजे किती 90 मीटर. टू त्यासाठीच काल तुला टोले दिले आणि सांगितलं एक क्वेश्चन एकदाच वाचायचं, कळाल ना. एक रूल लावून घ्या स्वतःला आतापासून, क्वेश्चन एक वाच रीड करायला 5 मिनिट लागले तरी चालेल बट एक क्वेश्चन फिरसे रीड नाही करणार, कळालं ना. 5-5 मिनिटाला परत तो पूर्ण क्वेश्चन वाचायला परवडत नाही, एक बार रीड हो गया जब तक समझ में नहीं आता है तब तक टाइम दो उसको, एक बार देख लिया फिर बाद में क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे. चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन. इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly with 4 meter per second square with 4 meter per second square. From the same point, another car starts after 2 seconds. After 2 seconds. With uniform velocity of 54 kilometers per hour. पवन
बाहर जाऊ तुला भेटायला आली कोणतरी बाहेर 54 किलोमीटर पर आवर विथ एन एक्सेलरेशन. पहले कार का कितना था एक्सेलरेशन? 4 था. इसका भी 4 विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट. इस एग्जांपल में एंड अभी के एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर थे, इसलिए जो डिस्टेंस है उसको हमने x एंड 200 माइनस x लिया था. अभी वैसे क्या, अभी क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है पहली कार भी दूसरी कार भी, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तभी वो मिल सकते हैं. कितने टाइम के बाद सेम होगा ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि अगर वो मिलते हैं आफ्टर टाइम टी तो उस केस में वो टाइम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट कार के लिए अगर देखेंगे तो फर्स्ट कार के लिए आपको बोला है कि यू जीरो है बट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सेकंड कार फर्स्ट कार को टी सेकंड के बाद मिलती है, तो उतने टाइम में फर्स्ट कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा? हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. एक्चुअल में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है बट ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, दैट्स व्हाई यू जीरो हो गया, ये बन गया हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. ए फोर दिया है यानी ये हो गया टू टी का स्क्वायर. सेम पॉइंट से दूसरी कार स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार भी उतने टाइम में इस कार को अगर मीट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होगा पहले कार के जैसा, एस टू बनेगा एस वन. बट सेकंड कार जो है वो 2 सेकंड के बाद में स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब सेकंड कार को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना मिलेगा, जितना पहले कार को मिला था उससे 2 सेकंड ज्यादा नहीं कम. माइनस टू बाद में छूट रही है ना, लेकिन उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब इसके पास टाइम कम है, कर देगा. इसका मतलब हम जब S2 के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेकंड कार के लिए, हर बार T रिप्लेस्ड बाय T माइनस टू होगा, ठीक है. एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो इक्वेशन बनेगा UT बट T होगा T माइनस टू प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर यानी होगा T माइनस टू का होल स्क्वायर. गॉट इट? अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या होगा UT माइनस टू यू प्लस सांगा ये क्या होगा 1/2 ए एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है एक्सपेंशन हो गया. अब इनकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सेकंड कार के लिए आपको यू दी है कितनी है 15t माइनस 30 प्लस ए कितना है 4/2 मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8. अभी आप देखो ये 2t स्क्वायर देन 15t माइनस 8t प्लस 70 माइनस 30 प्लस 8 बट ये इक्वल था S1 के एंड S1 कितना है 2t स्क्वायर तो क्या होगा 2t स्क्वायर कैंसल यानी 70 माइनस 22 इक्वल टू जीरो हो गया तो कितना टाइम लगेगा 22 बाय 7 करो 3.14 सेकंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बट ये टाइम मिल गया कि कब मिलेंगे, बट ये 3.14 किसके लिए, पहले कार के लिए या दूसरे कार के लिए? पहले कार के लिए. तो दूसरी कार के लिए पूछा होगा तो अभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो एक दो मिनट. डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2t स्क्वायर करना है बस. t अगर 3.14 है मतलब पाए उसका स्क्वायर अपन 10 लेते हैं तो 10 इंटू 2 बनेगा तो 20 मीटर के बाद में दो कार एक दूसरे को मिल जाएगी, ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है. अगर सेम क्वेश्चन होता और सेम क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, सेम क्वेश्चन है और उसमें बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट कार है अभी वो ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, उसका एक्सेलरेशन वही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दूसरी जो कार है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर 4 सेकंड एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 30 मीटर पर सेकंड बट इसका एक्सेलरेशन सेम है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कब एंड कहाँ मिलेंगे, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है. सेम क्वेश्चन, डू इट नाउ. सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन पूरा सेम है.
130 अप्रॉक्स। सबका आ गया आंसर? आंसर आला नहीं ऐसा कौन है? चलो बोर्ड पे करेंगे अपन इसको। पूरी कंडीशन सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा, पहले कार के लिए जो अपन हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और एस वन बनेगा यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एस वन के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 10t प्लस 2t का स्क्वायर। एस टू के लिए सेम इक्वेशन आएगा, बस t कितना लेना पड़ेगा, आफ्टर 4 सेकंड बोला है तो, एंड बिफोर बोलते तो टी प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे, u 30 है तो ये बनेगा 30 इन ब्रैकेट टी माइनस 4 प्लस ए बाई टू, फिर से 2 आएगा मतलब ये 2t स्क्वायर इन ब्रैकेट टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 इन ब्रैकेट टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 30t माइनस 120 प्लस ये आएगा 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस प्लस कितना 16, ये कितना आएगा 16t 80 टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab 4 इंटू 2 80 8 इंटू 2 16 हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 16 एंड ये कितना बनेगा 32। अब सिंप्लीफाई करेंगे देखो 30t माइनस 16t 14t 30 प्लस 22 क्या माइनस है, माइनस 120 प्लस 32 प्लस 88 प्लस क्या है 2t स्क्वायर, यहाँ पे कौन है 10t प्लस 2t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर कैंसिल, 10t इधर आएगा कितना होगा फिर 40 इक्वल्स टू 22 मतलब टी इक्वल्स टू 67 कौन सांगत होता, सेम किती लोकांचं होतं टी 22 11 काय चुकलं माझं बघा वर एकदा, क्या रॉंग हुआ, एक मिनट ये माइनस 120 प्लस 32 माइनस 88। चलो यहाँ पे देखो फिर से करते, 30 इंटू टी माइनस 30 इंटू 4 माइनस 120 प्लस ये टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 तो डबल करेंगे 2t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 32, यहाँ तक क्लियर है। अब एस वन इक्वल है तो क्या बनेगा 10t प्लस 2t का स्क्वायर, फिर से 2t, ठीक है तो क्या बचा 10t इक्वल्स टू 30t माइनस 16t माइनस 88, माइनस 88 इधर आएगा तो प्लस 88, 14t माइनस 10t 22 सेकंड 1t सर अभी क्लियर है 22 सेकंड। नेक्स्ट हाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए और ना, कितना बनेगा s इक्वल टू 220 प्लस 22 का स्क्वायर 484 का डबल, हाँ 484 का डबल 968 988 करा बर एकदा, हाँ 968 ऐड करो क्या होगा 1188। संस्कृति काय होता है आज काय, ये इसमें पुट किया ना 10t प्लस 2t स्क्वायर तो 10 इंटू 22 220 केला ना तुझा रहा टेस्टला कमी मार्क्स पडले का असंच होतं। चलो हो गया नेक्स्ट पवन झालं का, आलं होतं का बघा करायला गुन्हा करायला। नेक्स्ट इफ अ कार, भारती अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इफ अ कार ट्रैवल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड वी नॉट,
कार ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ स्पीड व्ही नॉट अँड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टन्स अँड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टन्स अँड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टन्स इट ट्रॅव्हल्स हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड व्ही वन अँड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड व्ही टू. क्वेश्चन लिहिला कंप्लीट. पहिले से इफ ए कार ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ स्पीड व्ही नॉट अँड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टन्स इट ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड व्ही वन अँड हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड व्ही टू देन ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑर ॲव्हरेज स्पीड विल बी. पहिले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समजो, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? मतलब देखो, अब तक जो अपन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के करते थे उसमें क्या होता था, एक तो डिस्टेंस हाफ करके देते थे, नहीं तो टाइम हाफ करके देते थे. हम डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो टाइम निकाल के सिंप्लीफाई करते थे, टाइम हाफ करके देंगे तो डिस्टेंस हाफ करके निकालते थे. यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हाफ डिस्टेंस का पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करके इनके एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. अब अगर टाइम हाफ हाफ करके दिया है इसका मतलब इसकी एवरेज क्या बनेगी, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू. ये तो क्लियर है सबको. तो इसके लिए v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये एवरेज बन जाएगी. क्लियर है? अब क्या हुआ, हाफ डिस्टेंस विथ v0, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ v1 प्लस v2 अपॉन 2. एंड हमें मालूम है कि अगर हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये झाले बऱ्याच वेळा झाले, त्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही फॉर्मुले. अब यहाँ पे v1 रिप्लेस होगा बाय एंड v2 रिप्लेस होगा बाय, करो रिप्लेसमेंट. क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v नॉट इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय v नॉट प्लस v1 प्लस v2 अपॉन 2. ये 2 2 तो न्यूमरेटर में बचा v नॉट इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 एंड डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ v नॉट प्लस v1 प्लस v2, बट ये 1 अपॉन 2 थे, ये न्यूमरेटर में जाएंगे. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बघून घ्या स्टेप बाय स्टेप, सिंपल एकदम, कुछ भी अलग न्यूज बरोबर आलं गुड. भारती कळालं का, डाऊट था तुम्हाला, डाऊट था तुम्हाला? इफ ॲक्सलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, इफ ॲक्सलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय ए इक्वल्स टू 3t - 10 देन कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 4 सेकंड. झिरो हो, एट मीटर, वेरी गुड. देखो क्या होगा, पहले एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 3t² - 10t. ये होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछी नहीं तो उसको और एक बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ - 5t² लिमिट्स क्या पुट करूँ मैं, 4 सेकंड में बोला तो 0 to 4.
यानी ये बनेगा 64 माइनस 80, कितना आ रहा है? 84. इंटीग्रेशन मध्ये काय करतो आपण, पावर में वन ऐड करते, पावर से डिवाइड करते, 3t स्क्वेयर था, वन ऐड किया क्यूब, 3 से डिवाइड किया, 3 कैंसिल, t का क्यूब, 10 इंटू टी था, पावर में वन ऐड किया, 10t स्क्वेयर, 2 से डिवाइड किया, 10/2 मतलब 5, 4 क्यूब 64, नहीं माहिती, टी स्क्वेयर 16 इंटू 5 80, 64 माइनस 80 माइनस 16, हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव? किती लोकांचं आलं होतं आन्सर? चला बाकीचे 1, 2, 3 सगळ्यांना कंपल्सरी कळालं ना, 1D एक एक कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन, एक एक शॉर्ट एक्झाम्पल इथं बसून कम्प्लीट करून घेणार आहे आपण, कळालं? त्यामुळे याच 1, 2, 3 बाकीचं मॅनेज करा, आता नाही झालं तर कधीच नाही होणार, लक्षात घ्या. जर 1D नाही आला तर पुढचे टॉपिक्स खूप जास्त डिफिकल्ट आहेत, जर 1D नाही आला तर, आणि 1D आला तर खूप सोपं आहे सगळं. चल हो गया ये. नेक्स्ट, इफ वेलॉसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाईम, इफ वेलॉसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाईम गिवन बाय व्ही इक्वल्स टू 40 मायनस 16, देन कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स इन 6 सेकंड. कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स इन 6 सेकंड. देखो, इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहली स्टेप हमारी होगी कि बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर रेस्ट में आके अपनी डायरेक्शन मतलब चेंज कर रही है. वो कैसे चेक करेंगे? हमें उसके लिए क्या करना है, वी इक्वल टू 0 पुट करना है, एंड वी 0 पुट करके टी कितना आता है कैलकुलेट करना है. देखो, वी 0 हो गया, माइनस 16 उधर जाके प्लस 16, 16/4 मतलब ये आ रहा है 4 सेकंड. हमने क्या देखा कि वी इक्वल टू 0 हो रहा है मतलब बॉडी रेस्ट में आ रही है, कितने टाइम में? 4 सेकंड. हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है 6 सेकंड में. इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी बॉडी यहाँ से निकल के यहाँ तक चली गई और ये 4 सेकंड पे रेस्ट में आ गई, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, समझ में आ रहा है ना? और 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे कहीं पे होगी. तो इस तरह के क्वेश्चन में मतलब हर बार अगर आपको वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी रेस्ट में कब आ रही है. तो अगर यहाँ पे मैंने 6 सेकंड की जगह पे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे टाइम अगर दिया होता तो आप डायरेक्ट जो करते आए हैं वही करना पड़ेगा. इसको इंटीग्रेट करो, टाइम पुट करो और आपका आंसर करेक्ट रहेगा. लेकिन अगर ये टाइम ज़्यादा है किससे, जब बॉडी रेस्ट में आती है उससे, तो उस केस में कंडीशन ये होती है कि कार जा रही थी, फिर रेस में आ गई, फिर वापस आ गई. तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान से सुनो, सबको प्रॉब्लम था जिन्होंने सॉल्व किया इस टाइप के क्वेश्चंस में. इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, रेगुलर जो स्टेप है वही फॉलो करेंगे. मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 2t² - 16t, ये आ गया इंटीग्रेशन. जो टाइम दिया है जैसा दिया है एज इट इज पुट करेंगे, तो 6² × 2 - 16 × 6, तो 76 72 - 96 - 24, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? -24, यानी कि ये इधर आ चुकी है, इसको भी क्रॉस कर चुकी है, कड़ा ला ना? एंड आपको अगर डिस्टेंस बोला होता तो हम यही बोल देते, ये डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस कितना होगा ये प्लस ये. तो पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही बस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 4 रखेंगे VdT, प्लस बाद में इंटीग्रेशन की लिमिट 4 to 6 लेंगे एंड VdT रिपीटेशन करेंगे.
इन दोनों की एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम हमें सबको ऐड करना पड़ता है, डायरेक्शन कहाँ पे फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड है, इनिशियली कहाँ पे, फाइनल कहाँ पे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एज इट इज आता है, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये फॉलो करेंगे, देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही आने वाला है, बस हम क्या करेंगे, ये 2t स्क्वायर माइनस 16t है, पहले लिमिट होगी 0 से लेके 4, बाद में ये 2t स्क्वायर माइनस 16t है, इसके लिए लिमिट्स आपको दिए हैं 4 to 6। अब पुट करो क्या होगा, ये कितना आता है मालूम है हमें, कितना आता है माइनस 24, नहीं नहीं कितना आता है, 4 स्क्वायर 16 into 2 32 माइनस 64 कितना आएगा माइनस 32, बट माइनस लेते ही नहीं हम, डिस्टेंस है ना वो, तो कितना आएगा 32 प्लस, अब 6 माइनस 4 करना है, 6 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस 24, माइनस 4 पुट करेंगे तो ये फिर से प्लस लेंगे, ये कितना आता है 4 पुट करके 32, तो 8 प्लस 32 कितना आ रहा है 40 मीटर, तो डिस्टेंस 40 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस 24। कड़ा ना प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, बस अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो कब रेस्ट में आ रही है उसकी लिमिट्स पुट करो, बाद में रेस्ट में आने के बाद जितना टाइम दिया है उतनी लिमिट पुट करो, यू विल गेट द डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा कहीं से नहीं कराए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गिवन बाय वी इक्वल टू 4x³, देन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर। मतलब अभी वेरिएबल टाइम का नहीं है, वेरिएबल किसका है, पोजिशन का यानी डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस है ऑल टुगेदर सिमिलर रहेगी, बस जब हम यहाँ पे x मतलब dt लेते थे वेरिएबल, उसकी जगह पे कौन आएगा dx आएगा। मतलब अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, x मिलेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये v इंटू dx करना पड़ेगा, एंड गिवन पोजिशन से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, ये x1 से लेके x2 ये मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी दी है और आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, लिमिट्स दी जाएगी लेकिन लिमिट टाइम के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है, डिस्टेंस के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, नीचे भी इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर किसको वेलोसिटी को, नीचे किसको डिस्प्लेसमेंट को। क्यों ऐसे है, क्योंकि ये dx का फंक्शन कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन रिक्वायर्ड है, तो dx x कैंसिल होकर हमें क्या मिलता है, v मिलता है, मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4/3 x³, लिमिट्स क्या है, x1 मतलब 2 है, x2 मतलब 4 है, डिवाइडेड बाय कौन होगा 4 - 2, ये dx होता है ना, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, फिर x की लिमिट्स क्या होगी, फिर से 2 से लेके 4 तक। अब करो पुट, 4³ × 4 256/3 85 माइनस 2³ × 8 × 4 32/3 मतलब 10 डिवाइडेड बाय x⁴ 4 - 2 डायरेक्टली 2, तो कितना आएगा 75/2 अप्रॉक्सीमेटली 37.5 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है।
हे बघा आजचे जे एक्झाम्पल्स होते यामध्ये न्यू काहीच नाही आहे, बट तरी पण ऑलमोस्ट एक किंवा दोन एक्झाम्पल्स सॉल्व झाले सगळ्यांचे, बाकीमध्ये प्रॉब्लेम येतो. याचा अर्थ परत तोच होतो आहे, आपण प्रॅक्टिस करत नाही आहे प्रॉपर जेवढी करायला पाहिजे तेवढी. यासाठीच परत 1 to 3 PM आपण एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस सेशन अरेंज करतो आहे. ॲटलिस्ट त्यामध्ये तरी जोपर्यंत तुमचं आउटपुट येत नाही आपण ट्राय करू. इव्हिनिंगला पण अरेंज केलं आहे पण सगळे कळालं ना कोणी येत नाही त्या बॅचला. मी ट्राय करणार आहे, एक्सपेरिमेंट करणार. तुम्ही रिस्पॉन्स केला आपण कंटिन्यू करू, तुम्ही नाही केलं तर मी अज्युम करून घेईल तुम्हाला, ठीक आहे ना. तुम्हाला तेवढंच करायचं आहे म्हणून, आणि थोडं 15 दिवसानंतर या गोष्टी बंद होतील. म्हणजे रेग्युलर करणार आहेत फक्त मी त्यांनाच वेळ देईल, कळालं ना. मग हे जे प्रॅक्टिस सेशनला न येणार आहेत हे जेव्हा डाऊट घेऊन वर तोंड करून येतील, कळालं ना, तेव्हा मग मी ते सांगेल की डाऊट सेशनचे प्रॅक्टिस सेशनचे रेकॉर्डेड लेक्चर बघून घ्या. कळालं, तुम्ही जेवढं वर्क करणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त वर्क करायला मी इथं रेडी आहे. बट तुम्हाला जर ते करायला जीवावर येत असेल तर मग त्याला काही ऑप्शन नाही, ठीक आहे. 5 to 7 लेट उठ होतो, अजून काही प्रॉब्लेम होती, आता 1 to 3 तर काही अडचण नाही आहे, ठीक आहे. बघूया किती जण येतात. नाही तर सपनासारखं यांच्यासारखं घरी बसून आरामशीर